नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। नक्सलियों के विरुद्ध में सुरक्षा बलों को मिली है एक बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ के सुकमा से लगे ओडिशा के मलकानगिरी में बीएसएफ और जिला पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटों का जखीरा को बरामद कर लिया है। मलकानगिरी के सिलाकोट रिजर्व फॉरेस्ट में नक्सलियों ने यह विस्फोटक को फेंका था। बताया जा रहा है कि पुलिस के सर्च अभियान को देखते हुए आईडी प्लांट करने के लिए विस्फोटक सामान को डंप करके रखा हुआ था, लेकिन सीमा सुरक्षा बल के जवानों की टीम ने, वीडीएस की टीम ने बम को ढूंढ निकाला और उसे मौके पर डिफ्यूज कर दिया। बीएसएफ के जवानों से मिली जानकारी के मुताबिक सुकमा से लगे मलकानगिरी जिले में तैनात बीएसएफ के जवानों की टीम रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिलाकोट के जंगलों में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी। इसी दौरान जवानों के साथ निकली बीडीएस की टीम ने इलेक्ट्रिक वायर बरामद किया है। उस वायर के जरिए नक्सलियों द्वारा डंप विस्फोट सामान को भी बरामद कर लिया गया है। जवानों ने बताया कि नक्सलियों ने 5 किलोग्राम और 7.5 किलोग्राम का आईडी को छुपा कर रखा था। जवानों ने बताया कि इसके अलावा 10 से अधिक कोडेक्स वायर के बंडल और बड़ी मात्रा में जिलेटिन स्टिक और इलेक्ट्रिक वायर के बंडल भी छिपा रखे थे। जवानों ने डंप सामान को बरामद करने में सफलता हासिल की है और आईडी बम को डिफ्यूज किया है। इधर बीएसएफ के अधिकारियों का कहना है कि सुकमा जिले में लगातार जवानों के द्वारा चलाए जा रहे एंटी नक्सल ऑपरेशन से नक्सली अब नया ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिसके चलते सुकमा से लगे तेलंगाना ओडिशा के लिए कूच कर रहे हैं और अपने पास रखे विस्फोट को छिपाने की कोशिश में लगे हुए हैं। फिलहाल नक्सलियों के डंप विस्फोट सामान को मलकानगिरी मुख्यालय में लाया जा चुका है।